आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और एक बात, आप सभी का जो स्टैटिक जीके का क्लास है ना, वो रोज आप सभी का दोपहर में 3 बजे जो है वो चलेगा। और एक बात मैं बोल दे रहा हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्टैटिक जीके के, वो सारा का सारा जो क्लास है आप सभी का 3 बजे चलेगा। क्लास खत्म होने के ठीक बाद इसका सारा पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है तो आप सभी को पता है, टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका, सक्सेस की 98। हालांकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है चैनल का, आप ज्वाइन कर वहां से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक क्या है हमारा, नोबेल प्राइज। देखो बहुत ज्यादा चांसेस है ना इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो कंफर्म एग्जाम में बनेगा, ये लिख कर ले लो, ये सियोर है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास बहुत जल्दी कराऊंगा, कट टू कट क्लियर, देखते हैं क्या टॉपिक हमारे पास आता है। देखो नोबेल पुरस्कार 2020 का सारा लिस्ट, वो किस किस कंट्री से है, किस किस क्षेत्र में मिला है, वो पढ़ने से पहले एक बार आपको ये चीज तो पढ़ना पड़ेगा। आप कभी भी नोबेल पुरस्कार पढ़ो, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप सभी को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। चलो अब क्लियर दिख रहा होगा ना, देखो नोबेल पुरस्कार से कभी भी अगर आप टॉपिक पढ़ोगे ना, आप पहले क्या पढ़ना, पहले पढ़ना अभी आप सभी जो नोबेल पुरस्कार है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो क्या बोलिएगा, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन ये वाला, तो आप बोलिए कौन सा देश है, तो वो देश है आपका स्वीडन। ये याद रखना है, पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, फर्स्ट नोबेल पुरस्कार किस ईयर में दिया गया था, तो 1901 में। ये पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, दूसरा ये वाला तो याद रखना ही रखना है, तीसरा सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र का कौन सा व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की, इनका उम्र कितना है, 17 साल है। ये तीन चीज आप याद रखिएगा, ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है यहां पर ये वाला चीज, देखो और आपको क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है यहां पर पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है जो भारत के थे, फर्स्ट कौन थे, सभी को पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में मिला था। अच्छा कौन से उपन्यास के लिए मिला था, एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार बन चुका है, पहला इंडियन, फर्स्ट भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था किस साल में, 1913 में, नाम क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर, कौन से उपन्यास के लिए, तो गीतांजलि। एक बार कमेंट चेक करते हैं कितने लोग ये आंसर जानते थे, गीतांजलि। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। सही है यार, एक बात और नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या इसको, और चलो अब तो दिख रहा होगा ना। अच्छा आ जाओ यहां पर, आप सभी पहला इंडियन कौन है, वुमेन महिला की बात करें, पहला महिला कौन है, तो वो कौन है आपका, मदर टेरेसा, इनको कब मिला था, 1979। और आपको कुछ याद नहीं रखना है, कुछ याद नहीं रखना है आप सभी को, कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना आपको पढ़ना है नोबेल पुरस्कार से स्टार्टिंग में। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं, इसका सारा पीडीएफ मैं आपको दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। क्लास अटेंड करने में आपको टाइम कितना लग रहा है, 15 से 16 मिनट यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। चलो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आप सभी को पूरा अच्छे से क्लियर हो। चलो अगर इस बार अगर पूछ दे आप सभी से केमिस्ट्री में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आपका आंसर क्या होगा, दो लोगों को दिया गया इस बार नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में, नाम क्या है उनका, पहला नाम है आपका इमैनुअल क्या कारपेंटियर, ये पहला है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, ये किस कंट्री से है, एग्जाम में पूछिएगा भाई ये क्वेश्चन, केमिस्ट्री में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है इस बार वो फ्रांस है, और दूसरा जेनिफर ए डाउडना,
ये किस कंट्री से है? तो अमेरिका से। पीडीएफ में पूरा मेंशन किए, आप एक बार देख के चलो और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद एक बार रिवीजन कर लेना आप सभी लिटरेचर। अच्छा, भारत से पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किस फील्ड में, किस क्षेत्र में? लिटरेचर में ही। गीतांजलि के लिए 1913 में। आप मिलाते चलो। इस बार 2020 में किसको मिला है? 20 में तो लुईस ग्लक इनको मिला है। ये किस कंट्री से? ये भी अमेरिका के। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। लिटरेचर में किसको मिला है? तो आपका लुईस ग्लक को, जो अमेरिका से। अगर मैं बात करूं आगे फिजिक्स को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है अक्सर, मैंने देखा है फिजिक्स से जो है वो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक बार देखो फिजिक्स को लेकर अगर बात करें, फिजिक्स में इस बार तीन लोगों को मिला है फिजिक्स में। किसको किसको? रॉजर पेनरोस जो यूके से है, ब्रिटेन से, ठीक है। उसके बाद रेनहार्ड जेंजल, ये कहां से? जर्मनी से है। और एक मिला है आपका एंड्रिया गैज, ये कहां से? अमेरिका से। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार किस कंट्री के लोगों को मिला है? तो याद रखिएगा उसका आंसर भी आप, क्या? अमेरिका। सबसे ज्यादा कहां के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमेरिका का। यह भी याद रखिएगा। फिजिक्स में तीन लोगों को मिला है, रॉजर पेनरोस, रेनहार्ड जेंजल और एंड्रिया गेज। ये याद रखना है। पी शांति में किसको मिला है? मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था 1979 में। ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन वुमन है। 2020 में किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये जो संगठन है ना, इसको मिला है। इस बार किसी लोग को नहीं दिया गया, किसको दिया गया है शांति का पुरस्कार? याद रखिएगा, नाम क्या है? किसी संगठन को दिया गया है। कौन है आपका? विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई मेरा भाई अगर कमेंट में ये बता दे इसका गठन कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट कोई बता पाएगा क्या, इसका गठन कब हुआ था? एक बार कमेंट चेक करना तो बनता है। कोई मेरा भाई, मैंने आपको काफी बार करेंट अफेयर में करवाया है इसका गठन के बारे में। सबसे पहले कौन बोलेगा? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। पहला कमेंट आ चुका है 1961, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कब? 1961 में, 1961 में इसका गठन हुआ था। अच्छा, इसका जो मुख्यालय, जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ये भी याद रखना आप सभी, रोम में है। रोम कहां पड़ता है? इटली में पड़ता है। ये आपको याद रखना है, कुछ याद नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है। ऐसा जितना भी संगठन है जिसमें फूड आता है, फूड भोजन आता है ना, जिसमें फूड आता है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली में है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी कहां पर है? उसका भी आपका रोम इटली में, याद रखिएगा ना। किसी का भी अगर ऐसा संगठन जिसमें फूड आए, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली में। इसका गठन कब हुआ था? 1961 में, ठीक है। अगला यहां पर देखो आप सभी, एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ मिलेगा ना, बस डाउनलोड करके रखना मत, मात्र 2 से 3 मिनट का समय लगेगा आप सभी को, एक बार फटाक करके रिवीजन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, मनोविज्ञान या मेडिसिन में इस बार 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो देखो, हार्वे जे अल्टर को। और अच्छा, ये किस कंट्री से? अमेरिका से है, याद रखिएगा। माइकल ह्यूटन, ये किस कंट्री से है? यूके से, यानी कि ब्रिटेन। अच्छा, एक बात और आपको याद करवा दूं करंट से। इस बार 2021 में 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को आता है ना कोई देश में गेस्ट, विदेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो इस बार गेस्ट कौन होगा?
ब्रिटेन का यूके का प्रधानमंत्री जो है इस बार स्पेशल गेस्ट रहने वाला है 26 जनवरी को। नाम क्या है उनका, सभी को याद होगा, क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। इस बार स्पेशल गेस्ट है ये 26 जनवरी को, जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, और किसको मिला है? चार्ल्स एम राइस को, जो अमेरिका में, तो मेडिसिन में तीन लोगों को मिला है, हार्वे, जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को, याद रखिएगा। अच्छा, साइंस की बात करें, अगर बात करें आपका किसका, इकोनॉमिक साइंस का, अगला बार किसको मिला था? मिया बीबी, जो इंडियन है, पता है ना, अभिजीत बैनर्जी, 2019 में मिला था। तो वो अब याद रखो या ना रखो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कम से कम याद रखना 2020 वाला। 2020 में आर्थिक विज्ञान में दो लोगों को मिला है, उस बार तीन लोगों को मिला था 2019 में, इस बार दो लोगों को मिला है। क्या नाम है उनका? पॉल आर मिलग्रोम, ये अमेरिका की है। उसके बाद रॉबर्ट बी विल्सन, ये भी आपका अमेरिका की है, ठीक है। नोबल पुरस्कार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यहां पर ना आइसोलेटेड कैटेगरी का जो एग्जाम चल रहा है आपका, उसका पेपर देख रहे हैं, पेपर आसान आ रहा है करंट अफेयर का, बहुत आसान आ रहा है। अगर करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, पेपर बहुत आसान आ रहा है। एक का क्वेश्चन को अगर छोड़ दोगे, तब जो पिछले एक दो साल से पूछ रहा है, अगर उसको छोड़ दें तो पेपर आसान आ रहा है, अगर करेंट अफेयर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। देखो, मात्र 12 मिनट में टॉपिक खत्म किए हैं, और मैं ना कोशिश करूंगा कल से दो दो टॉपिक आपको कराऊं एक दिन में, 3 बजे वाले क्लास में, ताकि 28 दिसंबर से पहले 28 की 29 टॉपिक मेरे पास है, वो पूरा का पूरा टॉपिक आपको अप टू डेट करा दूंगा दोपहर में 3 बजे। क्लास खत्म होगा 3 से 4 मिनट के बाद ना, इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, लेकिन डाउनलोड कर रख मत लीजिएगा, एक बार रट्टा मार लेना, ठीक है। कहां पर मिलेगा पीडीएफ? तो सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन नहीं, टेलीग्राम वाले चैनल के ऊपर। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। शाम को 6 बजे मिलते हैं मैथ वाले क्लास के साथ, ठीक है। मैथ वाली क्लास के साथ आप सभी के साथ मिलूंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन करवा कर भी फायदा नहीं है, तो क्वेश्चन वो मैथ का करो अब जो एग्जाम में बनेगा, एनटीपीसी का लेवल का क्वेश्चन आपको करना है, और 16 वाले पेपर से कंपेयर मत करना, उस समय बहुत ईजी आया था तो अभी ईजी पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। शाम को 6 बजे मिलते हैं आप सभी के साथ।